नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात एग्जाम का यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। अगर आप आईएएस या इनफैक्ट किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि इस चैनल पर मिलेंगे वो आपको सारे वीडियोस जो आपको एग्जाम को क्रैक करने में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े सुपर पावर देश अमेरिका में चुनाव की चर्चे हर कहीं देखने को मिलते हैं, और हो भी क्यों ना। पूरे विश्व में किसी भी संकट, युद्ध, महामारी और जलवायु परिवर्तन इत्यादि से कैसे निपटना है, इसमें इस देश की बड़ी भूमिका होती है। और इस देश के भूमिका होने की वजह से इसके राष्ट्रपति बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए जब भी हर 4 साल के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव आता है, तो दुनिया भर की निगाहें उस पर टिकी होती हैं। लेकिन बहुतों को अमेरिकी चुनाव की प्रक्रिया के बारे में पता नहीं होता है। इसलिए अगर अमेरिकी चुनाव को समझने में आपकी दिलचस्पी है, तो आज के इस वीडियो में हम अमेरिकी चुनाव से जुड़ी सारी जानकारियां आपको देंगे जो आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि चुनाव कब है और कौन कौन उम्मीदवार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हमेशा नवंबर के पहले मंगलवार को होता है। इस बार ये तारीख 3 नवंबर है। दूसरे देशों के उलट अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में मुख्य तौर पर 2 पार्टियों का ही दबदबा है, इसलिए राष्ट्रपति इन्हीं में से किसी एक दल का होता है। तो अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी एक पुरातन पंथी राजनीतिक दल है। इस पार्टी से इस बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार हैं, और वो अगले 4 सालों तक फिर से राष्ट्रपति बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। रिपब्लिकन पार्टी को सबसे पुरानी पार्टी के तौर पर भी जाना जाता है। हाल के सालों में ये पार्टी कम टैक्स, अमेरिका फर्स्ट, बंदूक रखने के अधिकार और प्रवासियों पर कड़ी पाबंदी लगाने की वजह से जानी जाती है। अमेरिका के ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में इस पार्टी का आधार मजबूत दिखाई पड़ता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, रोनाल्ड रीगन और रिचर्ड निक्सन रिपब्लिकन पार्टी से ही थे। अमेरिका की दूसरी प्रमुख पार्टी डेमोक्रेट्स एक लिबरल पार्टी है, और इस साल होने वाले चुनाव में जो बाइडेन इस पार्टी से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं, वो एक अनुभवी नेता है। बराक ओबामा के अमेरिकी राष्ट्रपति रहते हुए 8 सालों तक वो देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि विजेता का फैसला कैसे होता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हमेशा उस उम्मीदवार की नहीं होती है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा वोट आते हैं, जैसे कि हमने साल 2016 में हिलरी क्लिंटन के मामले में देखा था। उन्हें देश भर में सबसे ज्यादा वोट आए थे, लेकिन वो हार गई थी। इसके बदले उम्मीदवारों को इलेक्टोरल कॉलेज वोट में जीतना होता है। हर राज्य में एक निश्चित संख्या में इलेक्टोरल कॉलेज वोट होते हैं। ये राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। कुल 538 वोट होते हैं, जिनमें से 270 या फिर उससे ज्यादा वोट जीतने के लिए हासिल करने होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देना चाहता है, तो उसे राज्य स्तर पर हो रहे मुकाबले में वोट करना होगा, ना कि राष्ट्रीय स्तर पर। जो भी उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट पाता है, उसे राज्य के सभी इलेक्टोरल कॉलेज वोट चले जाते हैं। ज्यादातर राज्य किसी एक पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उम्मीदवार उस राज्य में ज्यादा ध्यान देते हैं जहां उनके जीतने की संभावना रहती है। ऐसे राज्यों को बैटल ग्राउंड स्टेट्स बोलते हैं। और दोनों उम्मीदवारों की बात करूं तो ये दोनों ही उम्मीदवार अपनी उम्र के 7वें दशक को पूरा कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप जहां 74 साल के हैं, तो वहीं जो बाइडेन 78 साल के हैं। और अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं, तो पहले टर्म में राष्ट्रपति बनने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति होंगे। अब आपको बता दें कि कौन वोट दे सकता है और वो कैसे वोट देते हैं। तो अगर आप अमेरिकी नागरिक हैं और 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं, तो आप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वोट दे सकते हैं। हालांकि कई राज्यों ने ऐसे कानून बनाए हुए हैं कि मतदाता को वोट से पहले अपनी पहचान संबंधी दस्तावेज दिखाने होंगे। रिपब्लिकन पार्टी का इस कानून पर खास जोर है, क्योंकि उनका मानना है कि वोट में धांधली को रोकने के लिए ये जरूरी है। लेकिन डेमोक्रेट्स इस मुद्दे पर उन पर आरोप लगाते हैं कि इस कानून का दुरुपयोग कर अक्सर गरीब और अल्पसंख्यक मतदाताओं को दबाव बनाने के लिए होता है, जो ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र दिखा पाने में असमर्थ होते हैं। अलग अलग राज्यों में कैदियों के वोट देने को लेकर भी अलग अलग नियम हैं। ज्यादातर मामलों में दोषी पाए जाने के बाद वो अपना
मतदान का अधिकार खो देते हैं, लेकिन सजा काटने के बाद फिर से उन्हें मतदान का अधिकार हासिल हो जाता है। ज्यादातर लोग चुनाव के दिन मतदान केंद्र पर वोट देते हैं, लेकिन हाल के सालों में वैकल्पिक व्यवस्था भी शुरू की गई है। 2016 में 21% मतदाताओं ने पोस्ट से अपने वोट डाले थे। इस बार लोगों का मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करना कोरोना वायरस महामारी की वजह से एक बहस का विषय बना हुआ है। कुछ नेता ज्यादा से ज्यादा डाक से मतदान कराए जाने का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि इससे मतदान में ज्यादा धांधली हो सकती है। एक और सवाल, क्या ये चुनाव सिर्फ राष्ट्रपति चुनने के लिए है? जवाब है नहीं। इस चुनाव में संसद के नए सदस्यों का चुनाव भी होगा। डेमोक्रेट्स का पहले से कांग्रेस में बहुमत है, इसलिए वो इसे बरकरार रखना चाहेंगे, और डेमोक्रेट्स को अगर दोनों ही सदनों में बहुमत हासिल हो जाता है तो वो राष्ट्रपति ट्रंप को दोनों सदनों में टक्कर देंगे और बिल प्रस्ताव को रोकने में सक्षम होंगे। इस साल सदन के सभी 435 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जबकि 33 सेनेट के लिए भी चुनाव होंगे। एक और सवाल, नतीजे कब आएंगे? इनमें कई दिन लग सकते हैं, क्योंकि हर एक वोट की गिनती करनी होती है, लेकिन शुरुआती घंटों में ही रुझान से पता चलने लगता है कि कौन जीत रहा है। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह 3 बजे ही न्यूयॉर्क में अपनी जीत का भाषण दे दिया था। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, और अगर आपको हमारे वीडियोस लाभकारी लगते हैं, यूजफुल लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो यू नीड टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और साथ ही वो बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन इसके साथ ही मिलती रहेंगी। तो मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अपना ध्यान रखें, खूब मेहनत करें। नमस्कार।